तो मैं एटीएम में नोट डालने के लिए आया हूँ। ये मेरे पास 100 के अच्छे अच्छे बंडल है और मैं सबसे पहले रिजेक्ट पिन में चेक करता हूँ। रिजेक्ट पिन में वो नोट होते हैं, कई बार कस्टमर के पैसे कट जाते हैं और वो पैसे निकल नहीं पाते, तो वो एटीएम उसको रिजेक्ट पिन में डाल देता है। और इसमें देखो बहुत सारे पैसे हैं जो रिजेक्ट पिन में पहले से पड़े हुए हैं। ये किसी ना किसी का पैसा कटा होगा तो वो रिजेक्ट पिन में आया होगा, या फिर कई बार डिस्पेंसर फॉल्टी की वजह से भी आ सकता है। देखो 150 नोट है जो इसने रिजेक्ट पिन में डाल दिया। ऐसे कंडीशन पे आप नोट को भले से जांच कर लीजिए, और यदि आपको एक्स्ट्रा नोट लगता है तो आप कंप्लेंट जरूर डाल दीजिए कि किसी का पैसा कट गया है, अदरवाइज आपको एक्स्ट्रा फाइन देना पड़ सकता है।